हेलो फ्रेंड्स, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम गए थे पापा से मिलने और वापसी में ऑन द वे पड़ता है मेरे मामा मामी का घर, तो उनसे तो मिलने जाना ही था। हाँ ले लो ना, थैले ले लो पूरा। हेलो नीर, हेलो हाउ आर यू बेटा। चप्पल ड्रेस तो गोवा वाली पहनी हुई है आपने, टोपी शोपी क्यों लगाई हुई है? अच्छा चलो ये ठीक है ना, तो सीधा अंदर बैठ गए दोनों, देखो उसको। नमस्ते, क्या हाल है? बहुत पतला लग रहा है, क्या हो गया? चल चल के ज्यादा काम करवाने के वहाँ पे। इसमें राजमा, आलू गोभी, पनीर की भुर्जी और खीर, इतनी सारी चीजें मामा ने मंगवाई थी। कैसे लग रहे? मेरा फैन है, मामी के हम भी मामी के फैन है गाने के, तो जो आप खा लें। चलो 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 फिर मामी, चलोगे आप? चलो नहीं, चीकू देख उसको तंग मत कर, देख फिर ऐसे पता है वो रोड डर जाएगा। नीर आप मिलके खेलो, है चीकू तंग मत करो, ठीक है? हम अभी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं आधे घंटे तक, ऐसे नहीं चलेगा, लड़ना नहीं है दोनों ने, ठीक है बेटा? आपकी जिम्मेदारी है क्या? आई एन ए में आपके दही के सोले नाम से फेमस है, वो ले जाता हूँ। यहाँ से आई एन ए मार्केट बहुत ही पास है, तो बस हम चल पड़े आई एन ए मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी घर की, और साथ ही में मामा ने हमें खिलाने थे वहाँ के फेमस दही के शोले। बहुत ही ज़्यादा रश था मार्केट में, सारा का सारा सजावट का सामान, दिवाली की शॉपिंग के लिए सारी आइटम्स अवेलेबल थी। हमें लेनी थी छोटी मोटी चीज़, वाइपर, बकेट्स, साथ ही में अचार और थोड़े से स्नैक्स। जल्दी से शॉपिंग कंप्लीट करी और फिर हम चल पड़े दही के शोले खाने के लिए। मामा कब अब कहाँ लेके जा रहे हो? दही के शोले खाने। खाओगे भी क्या अभी तुम? एक तो खा के टेस्ट करेंगे ना, क्या चीज है, इतना तारीफ कर रहे हो। आई एन ए की फेमस दुकान है दही के शोले के नाम से, पंडित राम शरण शर्मा जी ने शुरू की है, और इसमें कई वैरायटियां हैं। आप अभी लेटेस्ट जो इटालियन दही के शोले इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये है ना, एक खा लेंगे पहले, उसी में से एक खा लेंगे, बाकी पैक करा देंगे। कंफ्यूज कर दिया आपने भैया को। आई एन ए मेट्रो स्टेशन है, उसके ऊपर ही है, नीचे सबवे से ही पार करके आ जाइए, और अगर इसी तरफ उतरना है तो गेट नंबर 2 की तरफ देखिए। अच्छा, वहाँ से एग्जिट कीजिए, ऊपर आके सीधा ये कोने में बिल्कुल मार्केट के लास्ट में आप आ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने 4 पीस कर दिए, तो खाओ भाई, तुम खाओ पहले 4। ओए ओए। उसे नीर ने नहीं देखा अभी। सही में बहुत ही कमाल की चीज़ थी दही के शोले, जो नॉर्मल दही के शोले थे दही वाले वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और नए थे इटालियन वाले वो भी काफ़ी अच्छे थे, चीज़ जिनको पसंद है उनके लिए तो बेस्ट थे। खैर खा पी के चल पड़े हम वापस, और जब भी हम मिलते हैं ऐसे लोगों से जिनका पैशन ही सिंगिंग है, तो बस वहाँ पर तो अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे ही। मामी तो है ही सिंगर, यही गाना तीनों गाएंगे। हाँ यही गाना तीनों गाओ, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अब यही गाना मामी गाएंगे। आप केजी, ये प्री नर्सरी, और मामी कॉलेज क्या हो चुका उनका, सब पार हो चुका, सिंगर सिंगिंग में। दही के शोले बहुत सही सही है, बर्गर खाना है ये खाना। इसको जाना है? नहीं अभी जाएंगे आराम से। ये कौन से वाले हैं? ये वाले कौन से हैं? अच्छा इटालियन, अच्छा लगा। मामी को गाने दो। अरे मामी से एक सिंगल सुनने दो। अब टाइम आ गया था वापस घर निकलने का। बाय बाय मामी, बाय बाय। मामी की प्यारी सी आवाज में बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुने, मामा भी काफी सीख गए हैं, तो बस फिर हम चल पड़े मौसी को ड्रॉप करने के लिए उनके घर। बाय मौसी, नीचे रख दे ये।
थैला ले लिया आपने? हाँ ठीक है। फाइनली हम भी पहुंच गए घर, और घर जाते ही नीर को खोलने थे सारे के सारे गिफ्ट्स। दो मिनट भी वो रुकने को तैयार नहीं था। नहीं आप क्यूआर कोड से क्या होगा? अरे सर पर आई मैसेज लिखा है। इसको ना फ्रिज में डाल के आ जाओ, ये बाहर तो पिघल जाएंगे। रख दी फ्रिज में? वेरी गुड, चलो खोल। मेरे को एक काजू कतली देना। काजू कतली दे दो उसे। ये बहुत मतलब मेरे मतलब की गिफ्ट है ये। वाओ डिफरेंट, इसमें डिफरेंट टेस्ट के मखाने हैं। नहीं ये तो मेरी चीज आ गई यार। ये क्या? बोतल। चलो जी आगे मजे। मैं सोच रहा ये फ्लास्क है। फ्लास्क? हाँ बोतल नहीं है ये। स्टील फ्लास्क पे एक ही बात होती है। एक मखाना मैं खा रही हूँ। कौन कौन से फ्लेवर्स हैं ये? सिंपल वाला कौन सा है? सिंपल ही हो रहा है ना ये है। ब्लैक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, ये खोल लो एक। ये ब्लैक इसमें है सर। पांच कैबिनेट पापा को खोलने दो। देखो किचन की चीज़ है, किचन की चीज़ है। पापा के लिए आया पापा की चीज़ बॉटल, ठीक है। मम्मा के लिए आए किचन की आइटम क्या, और आपके लिए आए मखाने चॉकलेट्स। नाना ने आपको वो दे दिए पैसे कि आपको जो जो गिफ्ट्स लेनी है उसमें बुक्स वगैरह जो लेनी है अपनी स्टोरी बुक्स वगैरह लो बस। हैप्पी दिवाली तो यही होती है ना, अपने मतलब की चीज़ मिल जाए। अच्छे आ गए मखाने, लेके आएंगे ऐसे। और ये एक टेस्ट कर लो मेरे वाले, और एक अपना पैरी पैरी टेस्ट करा दो। मिर्ची वाला खा रहा है मजे से। इसको इसमें नहीं मिर्च लग रही है। हमने जो खुद के लिए दिवाली गिफ्ट्स लिए हैं, स्काई लैंटर्न्स, मेरी खुद की दिवाली गिफ्ट मेरे अपने लिए थोड़ी सी बड़े साइज की छलनी, थोड़े छोटे साइज की छलनी जैसे धनिया एटसेट्रा छानने छानने के लिए। ये क्या है? हाँ स्पेशल चाइल्ड चिल्ड्रन ऑफ अभ्यास में बनाया ये। हाँ ये बहुत प्यारा है। कॉर्न, अरे इसके ऊपर डब्बा भी, डब्बे के ऊपर वो भी लिखा था स्पेनिश कॉर्न का वो लगा हुआ। अलग क्या है इसमें? इसमें ये थोड़े मतलब गोल गोल से हैं। अच्छा लंबाई में, लंबाई में चमकते हैं। मंदिर के लिए लेके आए हैं। अच्छी है। अभी ये हमने मम्मी के लिए मंगवाया ब्लूटूथ स्पीकर उनको दिवाली पे देने के लिए। अच्छा है कितना अच्छा कितना क्यों सही है क्यों? अगर अच्छा लगेगा ना एक हम भी ले लेते हैं अपने लिए। सही आवाज। सारे ही अपने ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बिजी रहते हैं, और ऐसे मौके गेट टुगेदर्स के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं खूब इंजॉय करते हैं।